वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपके साथ इमारा फुटवेयर समर कलेक्शन शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी और उसके साथ ही साथ मैं आपके सभी के सामने इसकी अनबॉक्सिंग भी करूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। गाइज, आई एम रियली एक्साइटेड। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अब आप ये देखिए कि ये कुछ इस तरह से ये पैकेज मुझे रिसीव हुआ था, तो अब मैं इसे कट करने जा रही हूँ। ये देखिए, इसमें मुझे मैंने 4 पेयर ऑफ फुटवेयर ऑर्डर करे थे इमारा से। ये देखिए, इस तरह से मुझे 4 बॉक्सेस रिसीव हुए हैं। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट चल रहा था और मुझे फ्लैट्स मंगवाने भी थे अपने लिए, तो मैंने इसलिए वहाँ से मंगवाए। वहाँ से वैसे मैं कुर्तीज़ ऑर्डर करती रहती हूँ, सूट्स भी मंगवाए हैं मैंने वहाँ से, और एक बार मैंने फुटवेयर वहाँ से मंगवाया था और उसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है। इन बॉक्सेस के साथ मुझे इसका ये बिल भी इस तरह से रिसीव हुआ है और इस पर सारे इसके प्राइस और जितना डिस्काउंट मुझे मिला है सब कुछ मेंशन है इसके ऊपर। तो अभी तक मैंने जो अभी ये अनबॉक्स किया है आपके सामने, अभी तक आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी विद द पैकेजिंग। आप खुद देख सकते हैं कि ये बिल्कुल टूटा हुआ है, बट चलिए कोई बात नहीं, अभी हो सकता है कि इधर उधर मूव करने में हो जाता है थोड़ा सा, तो इस पर मैं अभी इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ, गॉड नोज़ अंदर क्या होगा। तो मैं आपको बता रही थी कि मैं पहले भी वहाँ से ऑर्डर कर चुकी हूँ एक फुटवेयर और उसका एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ठीक रहा है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शो करूँगी। तो जो वो फुटवेयर थे वो फ्लैट्स थे और वो ब्लैक कलर में थे, ठीक है। ये देखिए, ये फुटवेयर्स थे जो मैं पहले भी मंगवा चुकी हूँ और इसको मैं 7-8 बार वेयर कर चुकी हूँ और आप ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत अच्छे थे। आप इनका पैटर्न देखो, सब देखो। अच्छा, मैं ये जो आपको फुटवेयर्स दिखा रही हूँ ना, इसका सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको उसमें से कोई भी पसंद आता है तो आप उसके थ्रू जाकर ऑर्डर कर सकते हैं वहाँ पर। और ये जितने भी फुटवेयर्स मैं आपको शो करूँगी, इसके सब के ओरिजिनल प्राइस प्लस डिस्काउंट और जो डिस्काउंट लगकर जो प्राइस पर मुझे ये फुटवेयर्स मिले हैं वो भी मैं स्क्रीन पर लगा दूँगी, आप वहाँ से इसके प्राइस चेक कर लीजिएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कितने कंफर्टेबल, इतना कुशनी, मतलब पैर इसके ऊपर रख के इतना अच्छा लगता था कि कोई पैर में दर्द नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। And now I'm going to open my first box. तो ये देखिए, तो ये बॉक्स में देखिए किस तरह से फुटवेयर्स रखे हुए हैं। ये इन्होंने इस तरह से रैप कर रखा है पेपर से और इस पेपर पर इमारा लिखा हुआ है। सो इंटरनल पैकेजिंग मुझे ठीक लगी एंड इट्स अ पेयर ऑफ ब्राउन्स ब्रेडेड टी स्ट्रैप ओपन टोट कोल्हापुरीज। और ये देखिए, इसके ये 3 टैग्स लगे हुए हैं इस पर, प्राइस टैग है, इमारा उनका अपना ब्रांड है, टैग है और प्लस डिस्क्रिप्शन है इसका। तो इस पर जो है बीड्स लगे हुए हैं और थ्रेड वर्क भी है और ये स्टिचिंग आप देख सकते हैं, स्टिचिंग भी काफ़ी ठीक है इसकी और कुशन फुटबेड है, सोल टेक्सचर्ड एंड पैटर्नड है। इसका ये फ़ायदा है कि ये स्लिपरी नहीं होगा, ये स्लीपर स्लिपरी नहीं होंगे और ये मुझे पसंद आए, मुझे अच्छे लगे ये वाले फुटवेयर्स। ओवरऑल दे आर कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये स्लीपर्स कैसे लगे। और चलिए अब सेकेंड बॉक्स ओपन करते हैं। अगेन सेम, वही पेपर से ये फोल्ड हुआ हुआ है पेपर, उसके ऊपर इमारा लिखा हुआ है उसके ऊपर। एंड दीज आर बैक टू नेचर फ्लैट्स, बेज कलर में है, ओपन टोट फ्लैट्स हैं। और आप ये देखिए, इस पर ये यूनिक सर्कुलर पैटर्न बना हुआ है जो इसे काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। और अगर इसकी मैं सोल की बात करूं तो अगेन इट इज़ टेक्सचर्ड एंड पैटर्न
और ये भी स्लिपरी नहीं होगा, और मुझे काफ़ी अच्छे लगे ये वाले फ्लैट्स। ये जितने भी फुटवेयर्स मैंने ऑर्डर करे हैं ये सब मुझे 65% डिस्काउंट पर मिले हैं। ये जितने भी फुटवेयर्स हैं इन सब का जो मटेरियल है वो सिंथेटिक है, और इसकी केयर किस तरह करनी है आपको, ये जस्ट आपको एक ड्राई क्लॉथ लेना है और उससे इसको वाइप करना है जस्ट टू रिमूव द डस्ट। तो ये फुटवेयर्स भी मुझे बहुत पसंद आए। चलिए अब नेक्स्ट बॉक्स ओपन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हैं टी स्ट्रैप्ड ओपन टोड कोल्हापुरीस, और आप ये देखिए अच्छे से पैकिंग है इसकी भी, और ये देखिए इसके स्ट्रैप पर बहुत ही यूनिक पैटर्न डिज़ाइन बना हुआ है जो इसे बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। और जो इसका ये बेबी पिंक कलर है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, आई लाइक दिस, और वही सिंथेटिक मटेरियल है इसका। ऊपर से इसका जो फुट पैड है दैट इज़ कुशन्ड, और सोल टेक्सचर्ड है एंड पैटर्नड है, और आप इसे किसी भी ड्रेस के साथ पेयर कर सकते हैं, स्कर्ट प्लाजो चूड़ीदार किसी भी चीज़ के साथ आप इसे पेयर कर सकते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। चलिए लास्ट वाला बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं। इसमें ना कोई पेपर है, कुछ नहीं है इसमें, बस ऐसे ही उन्होंने फुटवेयर्स रख दिए हैं, एंड बस टैग्स लगे हुए हैं अगर आप देखें तो। ये है ग्रेसफुल ग्लैम कोल्हापुरीस गोल्ड कलर में, और ओपन टोड हैं कि पैटर्न इसका जो बना हुआ है स्टिचेस ठीक है, बट इसको उन्होंने बिल्कुल भी ठीक से पैक करके नहीं भेजा, और जो बैक ऑफ द फुटवेयर है सब पर उनके नंबर्स लिखे हुए हैं बट इस पर ना कोई नंबर है ना कुछ है इस तरह से। वैसे ठीक लगे मुझे, कोई ऐसा कमी नहीं है सिवाय उसकी पैकेजिंग के, तीनों टैग्स लगे हुए हैं इसके अंदर सब है, बट स्टिल मतलब पैकेजिंग तो एटलीस्ट ठीक भेजनी चाहिए थी। अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ कि जो भी मैंने चारों फुटवेयर्स लिए हैं प्लस जो पहले था मेरे पास, इन पांचों में से ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बट मैं इसे एक्सचेंज भी नहीं करूँगी। सो गाइस, ये था मेरा पूरा शॉपिंग हॉल, और आप इसमें से देखकर बताइएगा कौन से फुटवेयर्स आपको ज़्यादा पसंद आए। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो फुटवेयर्स क्वालिटी वाइज मुझे अच्छे लगे, बट पैकेजिंग से आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। पैकेजिंग उनको थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। और यहाँ अच्छी बात ये है कि इन फुटवेयर्स पर मुझे डिस्काउंट के साथ साथ 15 डेज रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी भी मिल रही है, बट मैं ना रिटर्न करूँगी ना एक्सचेंज करूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो।